हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ मोटोरोला मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर ये सब बात करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास मोटोरोला फ़ोन है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे नीचे जाएंगे तो सिस्टम का ऑप्शन दिखेगा, नहीं मिलता है तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद एडवांस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस दिखता है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करें। अगर आपका अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं होगा तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिलहाल मेरा कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, इसीलिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर होता तो मैं इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता, बट है नहीं अभी। और अब ध्यान रखिएगा, अपडेट करने से पहले आपका जो बैटरी परसेंटेज एटलीस्ट 40% से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इंस्टॉल करें। क्योंकि आपका ये जो फ़ोन है वो पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है, फिर इंस्टॉल करता है, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होता है उसको फिक्स करता है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।